तो जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि आज से कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि कौन कौन सी वो सब जो बाइक्स है जो इंडिया के पॉपुलर यूट्यूबर ओन करते हैं। तो उसी वीडियो में मैंने आप लोगों से पूछा था कि अगर आप लोगों को कार्स में इंटरेस्ट है कि कौन कौन सी कार्स ओन करते हैं इंडिया के पॉपुलर यूट्यूबर, तो आप लोग कमेंट करके बताइए। तो उस वीडियो में काफी सारे मेरे को कमेंट्स आए और बहुत लोगों ने मेरे को बोला कि भाई कार्स पे भी वीडियो बनाओ। तो इसलिए आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे वो सब कार्स के बारे में जो कि इंडिया के पॉपुलर यूट्यूबर ओन करते हैं। और वहीं उसी वीडियो की तरह इस वीडियो में मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ जो कुछ यूट्यूबर्स है उनको मैं रेगुलरली फॉलो नहीं करता हूँ, तो हो सकता है कि उन लोगों ने कोई न्यू कार ली हो या फिर अपनी पुरानी कार को सेल कर दिया हो। तो वो सब चीज हम लोग इस वीडियो में भले ना बात करने पाए, लेकिन जैसे ही मेरे को पता चलती है या फिर आप लोग के थ्रू पता चलती है कमेंट सेक्शन में, तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपडेट कर दूंगा या फिर कमेंट में पिन कर दूंगा। और वहीं अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो जरूर से लाइक कर दीजिएगा, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत ही जल्दी हम लोग 150 के सब्सक्राइबर मार्क को अचीव करने वाले हैं। तो ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कुछ और डिटेल्स अगर आप लोगों को चाहिए कोई बाइक से रिलेटेड, तो आप मेरे से डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर बात कर सकते हैं, इंस्टाग्राम की लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मेरा नाम है ऋषभ, आप देख रहे हो ऑटो ज्ञान। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में टोटल आपको 5 यूट्यूबर्स के बारे में जानने को मिलेगा। और वहीं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर मैं ये भी चीज क्लियर कर दूँ कि इस वीडियो में वही सारे यूट्यूबर्स आपको देखने को मिलेंगे जिनका कुछ ना कुछ बाइक और कार से रिलेटेड काम चलते रहता है। यानी काम चलते रहने से मेरा मतलब ये है कि उनका कुछ ना कुछ बाइक और कार से रिलेटेड कंटेंट आपको देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे मैंने ये चीज इसलिए क्लियर कर दी क्योंकि बहुत लोग अब ये बोल सकते हैं कि इनसे ज्यादा पॉपुलर जो यूट्यूबर है उनके कार्स के बारे में तो आपने इस वीडियो में बताया ही नहीं। तो इसलिए वो सब यूट्यूबर्स को मैंने इस वीडियो में इंक्लूड नहीं किया क्योंकि उनका जो कंटेंट है बिल्कुल भी बाइक और कार से रिलेटेड नहीं है। तो अब आपका ज्यादा समय ना वेस्ट करते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं 5th नंबर से। और 5th नंबर में हम बात करें मुंबई के निखिल के बारे में। तो मुंबई के निखिल के पास कॉम्पैक्ट एसयूवी है और उस एसयूवी का नाम है ह्युंडई वेन्यू। तो ह्युंडई वेन्यू जो इनकी कार है बहुत ज्यादा पुरानी नहीं है, रिसेंटली में इन्होंने ये कार को खरीदा है। और वहीं अगर आप चाहते हो कि मुंबई के निखिल की कार अगर आप खरीदो तो उसके लिए आपको ऑनर न्यू दिल्ली में प्राइस पे करनी पड़ती है 11 लाख रुपीज। अब 11 लाख रुपीज मैंने वो वेरियंट के बारे में आपको बताया जो कि मुंबई का निखिल के पास है। उनके पास जो है वो SX1 लीटर टर्बो वेरिएंट है, तो उसी की जो ऑन रोड न्यू दिल्ली कॉस्टिंग है वो है 11 लाख रुपीज। तो ह्युंडई वेन्यू टर्बो में आपको 118 bhp का पावर मिलता है और 172 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है उसके 1 लीटर टर्बो चार्ज इंजन से। और वहीं ह्युंडई वेन्यू जो ये पेट्रोल और डीजल दोनों ही ऑप्शंस में आपको अवेलेबल हो जाती है। तो 5th नंबर वाला बात की मुंबई के निखिल के कार के बारे में जो कि ह्युंडई वेन्यू। और वहीं ये जो कार ये मार्केट में कॉम्पीट करती है फोर्ड इकोस्पोर्ट, टाटा नेक्सॉन, होंडा WRV, मारुति सुजुकी ब्रेजा और आने वाली किया सोनेट से करेगी। तो दोस्तों 4th नंबर वाला बात करें जेट प्रभजोत के बारे में। और वहीं जेट प्रभजोत एक लग्जरी कार ओन करते हैं और वो कार आती है BMW की तरफ से और उस कार का नाम है BMW 520D। तो जेट प्रभजोत भाई वाली BMW 520D अगर आप लोग चाहते हो कि आप अपने लिए खरीदो तो उस कार के लिए करेंटली आपको ऑन रोड न्यू दिल्ली में प्राइस पे करनी पड़ती है 71,80,000 रुपीज। वैसे BMW 520D में काफी सारे ऑप्शंस आ जाते हैं जो कि इसके टॉप वेरिएंट है, उसकी प्राइस जो है वो लगभग 81 लाख रुपीज तक जाती है। तो अगर मैं अपनी बात करूँ तो 60 से 80 लाख रुपीज में BMW की जो 530DM स्पोर्ट आती है वो सबसे बेस्ट कार है, उसमें परफॉर्मेंस काफी ज्यादा अच्छी मिलती है। बट एनीवेज इस वीडियो में हम लोग 530DM स्पोर्ट के बारे में नहीं बात कर रहे हैं क्योंकि जेट प्रोप जो तो ओन करते हैं 520D। और वहीं BMW 520D में आपको 2 लीटर यानी 2000cc का इंजन मिल जाता है जो कि 188 bhp जनरेट करता है और 400 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। और वहीं जो कार की कर्वेट है वो 1670 kg और इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 144 mm। और वहीं जो BMW के 5 सीरीज है ये भी पेट्रोल डीजल ऑप्शन दोनों में ही आपके लिए अवेलेबल है। तो दोस्तों यहाँ हम लोग बात कर रहे थे 3rd नंबर पे GS फिल्म्स के बारे में। और वहीं GS फिल्म्स को तो आप लोगों में से सभी को जानते होंगे, बेसिकली इनको ज्यादातर जाना जाता है इनकी बाइक्स की वजह से क्योंकि ये काफी सारे एक्जॉटिक बाइक्स ओन करते हैं। लेकिन इनके पास भी एक कार है और वो जो कार है कॉम्पैक्ट सेडान है और उस कार का नाम है मारुति सुजुकी स्विफ्ट डिजायर। तो जैसा कि मैंने आपको बोला इनके पास तो काफी सारी एक्जॉटिक बाइक्स है और ये ज्यादातर बाइक्स ही प्रीफर करते हैं उधर जाने को। लेकिन एक बार मैंने इन्हीं की वीडियो में सुना था और इन्होंने कहा था कि ये कार कब यूज करते हैं, तो इन्होंने बोला था कि जब लगेज के साथ पॉइंट ए से पॉइंट बी जाना रहता है तभी कार को यूज करते हैं, अदरवाइज ये ज्यादातर बाइक्स को ही यूज करना प्रेफर करते हैं। और वहीं GS फिल्म्स के पास जो स्विफ्ट डिजायर है वो एकदम स्विफ्ट की स्टार्टिंग मॉडल थी जब स्विफ्ट को पहला बार लॉन्च किया गया था, यानी उसकी फर्स्ट जनरेशन मॉडल GS फिल्म्स ओन करते हैं। तो वैसे ये तो मेरे को नहीं पता कि GS फिल्म जो स्विफ्ट डिजायर ओन करते हैं वो पेट्रोल है या डीजल, अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। वैसे पेट्रोल इसकी ज्यादा सेल होती थी तो उसमें 85 bhp का पावर मिल जाता था और 140 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता था। और वही स्विफ्ट डिजायर पेट्रोल वाली आती थी 5-स्पीड गियरबॉक्स के साथ और उसकी जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी थी वो 42 लीटर की थी और उसकी जो बूट स्पीड थी वो 320 लीटर की थी। तो दोस्तों 2nd नंबर में बात करें मिस्टर इंडियन हैकर के बारे में। तो जी हाँ, वही मिस्टर इंडियन हैकर के बारे में जो कि बाइक्स और कार के साथ एक से एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो मिस्टर इंडियन हैकर यानी दिलराज सिंह, तो दिलराज भाई के पास भी काफी सारी अच्छी कार की कलेक्शन है। तो मिस्टर इंडियन हैकर के पास फॉर्च्यूनर, वरना, स्टीम, बुलेरो, नैनो ये सब जैसी कार है।
तो सबसे पहले बात करते हैं टोयोटा फॉर्च्यूनर के बारे में, क्योंकि इनकी कार कलेक्शन में सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव और सबसे ज़्यादा महंगी टोयोटा फॉर्च्यूनर ही है। तो टोयोटा फॉर्च्यूनर को अगर आप लेना चाहते हैं तो इसकी जो ऑन रोड प्राइस है वो 33 लाख से लेकर 43 लाख रुपीज तक जाती है। और वहीं ये जो कार है इसमें ऑटोमेटिक गियरबॉक्स, मैनुअल गियरबॉक्स दोनों ही का ऑप्शन आता है, और ये कार में 4x4 ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। तो टोयोटा फॉर्च्यूनर में आपको 2.8 लीटर यानी एग्जैक्ट सीसी की मैं बात करूँ तो 2755 सीसी का आपको इंजन मिल जाता है, जो कि 4 सिलेंडर इंजन है। और वहीं ये कार में आपको 174 bhp की पावर मिलती है और 450 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिल जाता है। टोयोटा फॉर्च्यूनर की जो करवेट है 2180 kg है, और वहीं उसकी जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी वो 80 लीटर्स की, और साथ ही में उसमें आपको 225 mm की ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाती है। अब धीरज भाई की जो दूसरी सबसे ज्यादा आपको एक्सपेंसिव कार इनकी कार कलेक्शन में देखने को मिलेगी वो है ह्यूंडई वर्ना। तो ह्यूंडई वर्ना की जो ऑन रोड प्राइस है वो लगभग 10,70,000 से लेकर 17 लाख रुपीज तक जाती है। और वहीं इनके पास जो वर्ना है वो करंट जनरेशन की नहीं, वो एक जनरेशन पुरानी है। अभी जो वर्ना है इसका नया मॉडल आ चुका है। और वहीं वर्ना भी पेट्रोल और डीजल दोनों में आती है। तो इसके पेट्रोल इंजन में आपको 113 bhp का पावर मिलता है और 144 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। तो इनके पास जो तीसरी कार है वो महिंद्रा बुलेरो है, और वहीं महिंद्रा बुलेरो की जो ऑन रोड प्राइस है वो 9,20,000 रुपीज से लेकर 10,70,000 रुपीज तक जाती है। तो महिंद्रा बुलेरो में आपको खाली डीजल ऑप्शन मिलता है, कोई पेट्रोल ऑप्शन नहीं मिलता है, और इसमें आपको 75 bhp की पावर और 210 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिल जाता है। बाद बाकी जैसे इनकी दूसरी कार जो है जैसे टाटा नैनो हो गई, मारुति सुजुकी स्टीम हो गई, इनके बारे में हम लोग बात नहीं करने वाले हैं क्योंकि ये सब जो कार है ऑलरेडी बंद हो चुकी है यानी डिसकंटिन्यू हो चुकी है। फिर भी लेकिन जैसा आप लोगों ने देख लिया कि मिस्टर इंडियन हैकर के पास काफी अच्छी कार की कलेक्शन है। बात करते हैं फर्स्ट नंबर पर जो यूट्यूबर है उनके बारे में। अब दोस्तों फर्स्ट नंबर जो हम लोग यूट्यूबर के बारे में बात करने वाले हैं, इनके पास इतनी अच्छी अच्छी एक्जॉटिक कार, इतनी अच्छी अच्छी लग्जरी कार है, साथ ही में परफॉर्मेंस कार भी है, जो कि अच्छे अच्छे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के पास भी आपको देखने को शायद नहीं मिलेगी। तो अगर आप लोगों ने ऑलरेडी गेस कर लिया है कि फर्स्ट नंबर में कौन से यूट्यूबर के बात करने वाले हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। वैसे हम लोग फर्स्ट नंबर बात करें नन अदर देन टेक्निकल गुरुजी के बारे में। तो जी हाँ दोस्तों, टेक्निकल गुरुजी के पास काफी सारे अच्छे अच्छे एक्जॉटिक कार्स है, काफी सारे लग्जरी कार्स है, जैसे कि पोर्शे पैनामेरा GTS हो गई, मर्सिडीज जी वैगन हो गई, रोल्स रॉयस घोस्ट हो गई, BMW 7 सीरीज हो गई, मर्सिडीज बेंज ML 500 हो गई, ऑडी A6 हो गई। तो इतने सारे कार्स के नेम मैंने आप लोगों को बता दिए, ऐसे सुनकर आप लोग समझ ही गए होंगे टेक्निकल गुरुजी काफी सारे कार ओन करते हैं। और वही टेक्निकल गुरुजी के जो कार्स है उनमें एक कॉमन बात आपको क्या देखने को मिलती है कि उनका सभी का जो नंबर प्लेट है वो आपको सेम देखने को मिलता है, जो कि 9789। तो जी हाँ दोस्तों, टेक्निकल गुरुजी के पास जितनी भी कार है उनमें सेम ही नंबर प्लेट वो यूज करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट में डिटेल्स दे देता हूँ कि जो टेक्निकल गुरुजी कार ओन करते हैं उनमें आपको कैसा परफॉर्मेंस देखने को मिलता है और उनकी प्राइस कितनी है। अगर हम लोग सभी के बारे में डिटेल में बात करने लग जाए तो वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो गुरुजी की जो सबसे ज्यादा फेवरेट कार है वो पोर्शे पैनामेरा GTS है, और वहीं पोर्शे पैनामेरा GTS की जो ऑन रोड न्यू दिल्ली प्राइस है वो है 2,18,00,000 रुपीज। तो अगर आपको गुरुजी की फेवरेट कार खरीदनी है तो आपको अपनी जेब से 2 करोड़ रुपए ढीले करने पड़ेंगे। और वहीं पोर्शे पैनामेरा GTS में V8 इंजन आता है, जो कि 453 bhp का पावर जनरेट करता है और 620 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। इसकी सीसी के बारे में बात की जाए तो 3996 सीसी का इंजन इस कार में आपको देखने को मिल जाता है। तो अगर आप गुरुजी की दूसरी कार के बारे में बात की जाए, वैसे ये कार तो है नहीं, ये SUV, और वहीं इस SUV का नाम है मर्सिडीज G-Wagon। तो मर्सिडीज G-Wagon जो इंटरनेशनल कंट्री में काफी ज्यादा पॉपुलर SUV है, और वहीं इस SUV को अगर आप इंडिया में खरीदना चाहते है तो इसके लिए आपको प्राइस पे करनी पड़ती है 2,60,00,000 रुपीस ऑन रोड न्यू दिल्ली में। और वहीं ये भी जो SUV लगभग इसमें 4000 सीसी का इंजन मिल जाता है, जो कि 577 bhp का पावर जनरेट करता है और 850 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। और ये भी कार में आपको V8 इंजन देखने को मिलता है, यानी 8 सिलेंडर का इसमें यूज किया जाता है। तो अगर आप गुरुजी की तीसरी वाली कार के बारे में बात की जाए जिसको इन्होंने रिसेंटली में ही खरीदा है, तो वो कार का नाम है रोल्स रॉयस घोस्ट। तो जी हाँ दोस्तों, टेक्निकल गुरुजी रोल्स रॉयस भी ओन करते हैं। तो करेंटली इसके मैं आपके साथ स्पेसिफिकेशन नहीं शेयर करूंगा क्योंकि इसके BS6 का जो मॉडल है वो नहीं लॉन्च हुआ है। वैसे जल्दी वो जो मॉडल है वो इंडिया में लॉन्च होने वाला है। और वहीं पुरानी वाली अगर रोल्स रॉयस घोस्ट की अगर मैं आपको सिर्फ प्राइस बता दूं तो उसकी जो ऑन रोड प्राइस थी वो लगभग 6 करोड़ रुपीज के आसपास थी। और वहीं गुरुजी की अगर चौथी कार के बारे में बात की जाए, वैसे ये जो कार है इसको ये डायरेक्टली ओन नहीं करते, ये जो कार है इन्होंने अपनी मम्मी को गिफ्ट किया था, और वहीं उस कार का नाम था BMW 7 सीरीज, और वो मॉडल का नाम था 750 Li। वैसे अगर आप लोग 7 सीरीज इंडिया में लेना चाहते हो तो इस कार की प्राइस चालू हो जाती है 1.5 करोड़ से और जाती है लगभग 3 करोड़ रुपीज तक ऑन रोड में। तो अगर आप गुरुजी की अगर अगली कार के बारे में बात की जाए तो ये भी जो कार है इसको ये डायरेक्टली ओन नहीं करते हैं, इनके ब्रदर ने इनको ये जो कार ये गिफ्ट दिया था, और वहीं ये जो कार इसका नाम है ऑडी A6। तो ऑडी A6 की जो प्राइस है वो इंडिया में लगभग 63 लाख रुपीज से लेकर 70 लाख रुपीज तक ऑन रोड में जाती है। और वहीं जो बात बाकी टेक्निकल गुरुजी कार ओन करते हैं वो इंडिया से डिसकंटिन्यू हो चुकी है, उनका कोई BS6 मॉडल भी नहीं आया है, कंपनीज उनको आगे लॉन्च भी नहीं करेगी, तो वो सब कार्स के बारे में हम लोग नहीं बात करते हैं। फिर भी अभी तक जहां तक मेरे को पता है कि अगर यूट्यूबर्स की बात की जाए तो टेक्निकल गुरुजी है वो शख्स है जिनके पास सबसे ज्यादा अच्छी और सबसे ज्यादा रॉयल एक्जॉटिक कार्स है। तो अगर आप लोग मेरे बात से एग्री करते हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो यही था मेरा वीडियो जहां पे मैंने आपको बताया पॉपुलर इंडियन यूट्यूबर्स के बारे में कि वो लोग कौन कौन
कौन सी कार यूज़ करते हैं, बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स के बारे में मैंने आपको बताया जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी रॉयल एक्जॉटिक कार्स ओन करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो ज़रूर से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, अगर आपको कुछ कहना तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। आपको वीडियो देखने के लिए थैंक यू।